डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल के थ्रू मैं आपको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगा। ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि आरआरबी फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर या एम्स फार्मासिस्ट या डब्ल्यूसीएल, जीपेट एग्ज़ाम, कोई भी फार्मेसी का कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का हो सकता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए हो सकता है, ड्रग एनालिस्ट के लिए हो सकता है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए चैनल बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा और डिप्लोमा इन फार्मेसी के सब्जेक्ट्स और बैचलर्स इन फार्मेसी के सब्जेक्ट की थ्योरी और उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराऊंगा, जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और न्यू एमसीक्यूज जो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं डिज़ाइन करूंगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। यदि आप पर डे अराउंड 500 एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं तो आपके एग्ज़ाम क्रैक करने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाएगी। डी फार्मेसी के बेसिस पे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ड्रग लाइसेंस होता है और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसके लिए डी फार्मेसी की डिमांड होती है। एयरफोर्स में, रेलवे में वैकेंसीज आती हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं उसका। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो मैं आज आपसे इस वीडियो में सोशल फार्मेसी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करूंगा जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। अभी 17 जून को आपका ग्रुप 5 फार्मासिस्ट का भी एग्ज़ाम है और ये सारे क्वेश्चंस नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए और जो पैथोलॉजी लैब्स, डीएमएलडी और बीएमएलडी के कोर्सेज होते हैं उन एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो स्टूडेंट भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये कम्युनिटी हेल्थ सब्जेक्ट से है ये क्वेश्चंस, तो ये सब्जेक्ट नर्सिंग में भी है और फार्मेसी में भी है, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये कॉमन है एमसीक्यूज। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्पेशली फार्मेसी स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है, ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, जहाँ पर भी कम्युनिटी हेल्थ की बात की जाती है। ठीक है, इसमें एक एमसीक्यू है वाटरबोर्न डिजीज़, तो इसका एग्जांपल है कोलेरा। हमें पता होनी चाहिए एयरबॉर्न डिजीज़ कौन सी है, वाटरबॉर्न कौन सी है, वेक्टरबॉर्न कौन सी है, इस पे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये कुछ एमसीक्यू सॉल्व करके आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमें वेक्टरबॉर्न डिजीज़ पता होना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरिया है ना, और वाटरबॉर्न डिजीज़ का एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पर है कोलेरा। कोलेरा इज़ अ वाटरबॉर्न डिजीज़। ये ऐसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको एग्ज़ाम में एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको थ्योरी एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में केवल 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन टिक करना है, तो आपको थ्योरी ब्रीफली पढ़नी पड़ेगी। यदि आप थ्योरी डीप में पढ़ोगे तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कोलेरा इज़ अ वाटरबॉर्न डिजीज़ और रिमूवल ऑफ डिजीज़ फ्रॉम द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड इरेडिकेशन। यदि कोई डिजीज़ वर्ल्ड वाइड फैल जाए तो हम उसको पेंडेमिक कहते हैं, और यदि किसी पर्टिकुलर एरिया में स्प्रेड हो जाए तो हम उसको एंडेमिक कहते हैं, और यदि उसको कहीं किसी कंट्री से रिमूव कर दिया जाए, उसका ट्रीटमेंट फाइंड आउट कर लिया जाए, या कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जैसे पोलियो, 2011 में लास्ट केस मिला था वेस्ट बंगाल में, उसके बाद से पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया, तो हम कह सकते हैं भारत से पोलियो को इरेडिकेट किया जा चुका है। तो इस वर्ड इरेडिकेशन को हम इस सेंस में यूज़ करते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ पीएससी, हेल्थ केयर सिस्टम में हम पढ़ते हैं हॉस्पिटल्स के बारे में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके नीचे कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स जिसको हम CHC कहते हैं, उसके नीचे PHC आता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, और उसके नीचे आता है सब हेल्थ केयर सेंटर। तो ये हेल्थ केयर सिस्टम का चयन है, तो PHC का फुल फॉर्म है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं वो विटामिन सी के रिच सोर्स होते हैं, जैसे लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ और आंवला, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, 2 टाइप के विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल का एक फॉर्मूला है जिससे आप याद रख सकते हैं, KEDA, केडा,
केडा को छोड़ के ई डी ए को छोड़ के जितने भी वाइटामिन है सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो विटामिन सी इज अ वाटर सॉल्युबल। इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। पूछा है फुल फॉर्म ऑफ SARS, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि 2019 में अभी कोविड से काफ़ी लोगों ने सफ़र किया है, तो कोविड का जो वायरस था उसका सार्स का फुल फॉर्म पूछा है। इसका फुल फॉर्म है सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये MCQ में पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर सीवियर की जगह सीरियस दे सकते हैं, सिंड्रोम की जगह आपको सिम्टम्स दे सकते हैं, इस तरह से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। फूड दैट हैज़ नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिशनल वैल्यू इज कॉल्ड जंक फूड। जंक फूड हमें अवॉइड करना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि इसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू बहुत कम होती है, विटामिन्स मिनरल्स तो होते नहीं है, और हमारे स्टमक को एडिशनल एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं ऐसे खाने को पचाने के लिए। और बैक्टीरिया के टाइप में आपने पढ़ा होगा, स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं, राउंड शेप के होते हैं जिनको हम कोकस कहते हैं। तो यहाँ पूछा है कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, तो बैसिलस, ठीक है। एच पायलोरी बैक्टीरिया जो कि पेप्टिक अल्सर कॉज करता है वो भी रॉड शेप का होता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, इसका है गॉइटर। और वायरल वायरल डिजीज का एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस। हमें पता होनी चाहिए वायरस से कौन सी डिजीजेस होती हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन से हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना, फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और वायरल इन्फेक्शन, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे मम्स है, चिकन पॉक्स है, ये सारी वायरल डिजीजेस हैं। पैंडेमिक डिजीज़ क्या होती है, जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाए उसको हम पैंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। और कौन सा इन्फेक्शन बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कोलरा बॉडी के इंटेस्टाइन पार्ट को इफेक्ट करता है, जैसे पोलियो मेलाइटस का जो वायरस है वो हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। तो इस टाइप से हमें कौन सा इन्फेक्शन किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है ये हमें पता होना चाहिए। मलेरिया इज अ वैक्टर बॉर्न डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। जब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो किसी व्यक्ति को काटता है तो उसको मलेरिया होता है। ये फोर टाइप की स्पीसीज होती है, फाल्सीफेरम और मलेरी, ओवेला, तो ये स्पीसीज है इसकी। कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो स्प्रेड होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। डिजीज दो टाइप की होती है, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल वो जो स्प्रेड नहीं होती है, जैसे कैंसर हुआ, डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ। कम्युनिकेबल वो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड होती है, तो उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। कोविड अभी आया, कम्युनिकेबल था। अब कुछ एंटीबायोटिक के क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। जैसे टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और राइबोसोम के 30S यूनिट से बाइंड करता है। और कॉमन साइड इफेक्ट्स भी पूछे जाते हैं, जैसे पेनिसिलिन का जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है वो है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। और साइड इफेक्ट्स ऑफ जीडोबुडीन, जीडोबुडीन एक एंटी एंटीवायरल ड्रग है जो कि HIV इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो इसका कॉमन साइड इफेक्ट्स है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया कई टाइप का होता है, परनीशियस एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। उसमें से जो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है वो विटामिन B12 और साइनोकोबालामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इस वजह से RBCS मैच्योर नहीं हो पाती क्योंकि RBCS के फॉर्मेशन में साइनोकोबालामिन, विटामिन B9 और एरिथ्रोपोइटिन जो कि किडनी बनाती है, और एलिमेंट में आयरन की जरूरत पड़ती है। ये चार कॉन्स्टिट्यूशन यदि है तो ब्लड का बॉडी में फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। इसमें साइनाइड की पॉइजनिंग पे क्वेश्चन आया है। एमाइल नाइट्रेट्स यूज किए जाते हैं साइनाइड पॉइजनिंग के लिए। और वुमेन्स का फर्टाइल विंडो, फर्टाइल पीरियड, फर्टाइल फेस क्या होता है, तो ये मिड डेज होते हैं। जैसे यदि साइकिल 28 डेज की है तो इसके जो मिड डेज होंगे ये फर्टाइल पीरियड में आते हैं। जैसे 28 डेज की साइकिल है तो इसका फर्टाइल पीरियड होगा 9th डे टू 18th डे। इस बीच में यदि मेल फीमेल साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। वूफिंग कप
किस पैथोजन द्वारा कॉज्ड होता है, इस पे क्वेश्चन आया है। तो बर्डोटेला पर्टोसिस। टीबी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24th of March को। ऐसे बहुत सारे डेज हैं जैसे कैंसर डे, डायबिटीज डे, ये हमें पता होने चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें आने चाहिए। और एक और क्वेश्चन है कि पोलियो का लास्ट केस किस सिटी में देखा गया था? तो वेस्ट बंगाल में देखा गया था। और किस ईयर में देखा गया था? 2011 में देखा गया था। और पूछा गया है कि भाई बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? तो इसमें प्रोटीन्स आता है। हमारे न्यूट्रिशंस में प्रोटीन होते हैं, कार्ब्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म से ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल से हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरॉन। और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म से ग्लूकोज बनता है, जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल है, बॉडी को एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। और वहीं पर यदि बॉडी की ग्रोथ की बात आती है, जैसे बॉडी बिल्डर्स प्रोटीन शेक पीते हैं और प्रोटीन कंज्यूम करते हैं डाइट में, तो ये मसल्स को डेवलप करता है, बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाता है। तो ये न्यूट्रिशन चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूट्रिशन चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन और मिनरल्स, इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इवन एमपीपीएससी और यूपीएससी में भी ये सिलेबस का पार्ट है साइंस का, तो वहाँ से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, यदि मेरी मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो। और कंटिन्यूअसली आप इस चैनल के टच में रहें, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प हो सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।